दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में पकड़े गए हैं, जिस वजह से आम जनता इनके प्रति काफी ज्यादा आलोचनाएं देखने को मिल रही है। साथ ही कई लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के कई मशहूर सितारे शामिल हैं, जो इनके पकड़े जाने पर अपने अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। और यही वजह है कि ये आज सोशल मीडिया पर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां आम जनता के साथ साथ कई साउथ इंडस्ट्री के अभिनेता इनके पकड़े जाने पर अपने रिएक्शन दे चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स के इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडस्ट्री की कुछ मशहूर अभिनेत्रियों के रिएक्शन के बारे में बताएंगे और उन्होंने क्या कहा है आर्यन खान के ड्रग्स केस के मामले को लेकर। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडस्ट्री की कुछ मशहूर अभिनेत्रियों के रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में अपने क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए एक एक कर जानते हैं इन अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए रिएक्शन के बारे में। नंबर एक, रश्मिका मंदाना। साउथ इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का नाम शुमार है, जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीतते हुए नजर आती हैं। पर जब इन्हें शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले के बारे में पता चला तो इन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ये बच्चा निर्दोष है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि किंग खान के बेटे ऐसे गलत काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। नंबर दो, अनुष्का शेट्टी। अब बात करते हैं डियर कॉमरेड और गीता गोविंद फिल्मों से अपनी खूबसूरती और अदाओं से लाखों दर्शकों का दिल जीत मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी के बारे में, जिन्हें जब अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले के बारे में पता चला तो ये काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई और अपना रिएक्शन देते हुए बोली एक ऐसी बात जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा ये तो पार्टी में बस घूमने गया, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टी में ड्रग्स खरीदने या बेचने गया होगा। नंबर थ्री, श्रीनिधि शेट्टी। चलिए बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी के बारे में, जिन्हें जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले के बारे में खबर मिली तो ये काफी ज्यादा हैरान हो गई और अपना रिएक्शन देते हुए बोली कि आर्यन को छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल निर्दोष है जो ड्रग्स जैसी बेकार चीजों का बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। नंबर फोर, रकुल प्रीत सिंह। चलिए बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अदाकारा रकुल प्रीत सिंह के बारे में, जिन्हें जब आर्यन खान के ड्रग्स केस बारे में पता चला तो इनके तो होश ही उड़ गए और अपना रिएक्शन देते हुए बोली आर्यन खान निर्दोष है, इसको ड्रग्स केस मामले में फंसाया जा रहा है। नंबर फाइव, तापसी पन्नू। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में, जिसमें साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा तापसी पन्नू का नाम शुमार है, जिन्हें जब शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस मामले के बारे में पता चला तो ये हैरान हो गई और अपना रिएक्शन देते हुए बोली मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई फिल्मों में काम करा है, जिस वजह से मुझे अभिनेता शाहरुख खान काफी ज्यादा पसंद है, और आर्यन खान के लिए एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने कहा मैं इसके पापा की दीवानी हूँ, इसीलिए मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उनका बेटा कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों के रिएक्शन के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।